बेसमेंट में भी कोई नहीं है। बेसमेंट में भी नहीं? एक काम कर, तू इधर देख, मैं इधर देखता हूँ, ठीक है? और ध्यान से देखना। वहां भी कोई नहीं है। वहां पे भी नहीं है? नहीं। एक काम करते, बाहर देखते, शायद वहां हो। चल। क्या पता चला तुम्हें रोनी? सर, उन अगवा के लोगों को कहां रखा है ये तो मैं नहीं जान पाई, लेकिन मैंने कुछ ऐसा सुना है जिससे आप उस टीम के लीडर तक पहुंच सकते हो। क्या क्या सुना है, जल्दी बताओ। सर, मैंने सुना कि लड़कों को सब काम समझा दिया है। हाँ बस, सिर्फ आपके इशारे का इंतजार है। गुड, बस ये मिशन पूरा हो जाए, उसके बाद फिर। फिर क्या बॉस? फिर हम ऐश करेंगे, ऐश। पर बॉस, ये मिशन है क्या? चिल्ला मत, आज शाम को 10 बजे मीटिंग है मेबल्स बार में। इसका मतलब कंसाइनमेंट आज ही निकलेगा? हाँ, सारा इंतजाम हो चुका है। असाइनमेंट आज रात में निकलने वाला है सर, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि अगवा किए गए लोगों को कहीं ले जाने की तैयारी करें? बिल्कुल सही है काविन, वही है, वही प्लानिंग है उनकी। मगर हमें आज रात को 10 बजे मेबल्स बार पे उनकी जो मीटिंग होने वाली है ना, उस पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। सर, एक बार इस गैंग का लीडर हमारे हाथ लग जाए तो मामला अपने आप हल हो सकता है। तो लीडर कहाँ जाएगा, लेकिन सबसे पहले हमें उन 100 लोगों को बचाना है जिन्हें अगवा किया गया है। गुड वर्क रोनिता। सर, उन लोगों को मुझ पे शक हो उससे पहले मुझे वहां पहुंचना होगा। गुड लक, अपना ख्याल रखना और याद रखना तेरा भाई तेरा इंतजार कर रहा है। चल। मालूम है ना क्या करना है? बिल्कुल मालूम है सर, डर तो इस बात का है कि उन्हें देखकर मेरे अंदर का CID ऑफिसर न जाग जाए और मैं भूल जाऊं कि इस वक्त मैं एक वेटर हूं। भूलने की जरूरत नहीं है, तुम एक वेटर। अरे यार, वेटर का रोल कर रहे हो। तुम्हें इनके टेबल के नीचे बग लगाना है ताकि हम उनकी बातें आसानी से सुन सके, समझे? ये लोग हो सकते हैं, जाओ जाओ तुम लोग जाओ। इसको फ्रेंडी, देखो डील बस फाइनल होने ही वाली है, एक बार वो कंफर्म कर लेना बस, फिर तो समझो हो गया। वेटर। सर। गुड इवनिंग सर। 3 ड्रिंक ले गया। यस सर। एक ब्लू लेमन, ब्लू लेमन, मूनवॉक और सनशाइन। एनीथिंग एल्स सर? नहीं कुछ नहीं, बस इतना तो ले गया। ओके सर। ओके। यही लोग हैं, गन वगैरह लेकर आए। ये क्या किया, मेरे सारे कपड़े गीले कर दिए तुमने। सर सॉरी सर, सर आप पैंट उतारिए, मैं अभी सुखा देता। क्या? नहीं नहीं, एक मिनट रुकिए रुकिए, मैं सुखा। सर सॉरी सर, सर प्लीज किसी को कहना मत सर। अच्छा चल, अब दिमाग मत खराब कर, चल। सॉरी। यार तूने कपड़े गीले कर दिए, तुम ले उसको। कंसाइनमेंट आज सुबह 4 बजे जाएगा। हमसे लेके जाना कहाँ है? ट्रक से लेके जाना है, पाई प्राइवेट एयरफील्ड पे, उसके बाद देश से बाहर।
लेकिन तुम दोनों ध्यान रखना, टाइम से आ जाना। अगर देर की तो जी बॉस आप फिक्र मत कीजिए, हम दोनों टाइम पे पहुंचेंगे। बिल्कुल टाइम पे, चलो। सर लगता है आज रात अगवा किए हुए लोगों को ही ले जाने वाले हैं। सर अब तक हमें ये नहीं पता चला है कि वो ट्रक्स आने कहां से वाली है। लेकिन श्रेया हमें ये पता है ना ये ट्रक जा कहां रहा है। फ्रेडी तुम इस आदमी पे नजर रखो, तब तक हम लोग PAI एयरफील्ड के रास्ते पे इस ट्रक का इंतजार करते हैं। 4:30 बज गए सर, पर अभी तक कोई ट्रक दिखाई नहीं दिया इस रास्ते पर। उन गुंडों ने कहा था ना कि 4 बजे अड्डे से ट्रक निकलेगा, पता नहीं कितनी दूर अड्डा है। सुबह तक वेट करते हैं। सो कोई गाड़ी आ गई। सो शायद यही वो ट्रक है, पीछा करो इसका। ये तो 4 लोग हैं, बाकी लोग कहाँ हैं? मालूम नहीं है सर। रिजेक्ट हो। ये तीनों तो उन्हीं के आदमी, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तीनों तो पब में थे, इनको भी बांध रखा है। खोलो सबको जल्दी। चलो निकलो, लेके जाओ सबको उधर किनारे। नहीं, नहीं। सर इसके शरीर में तो बम लगा है। सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। इस पंप को निकालना होगा। सही देखिए। माय गॉड, ये बम तो हीट सेंसर से जुड़ा हुआ है। 97.8 तो शरीर के तापमान से इस बम को जोड़ रखा है। अगर ये बम इसके शरीर से निकाला गया तो यहीं फट जाएगा। तो क्या करें सर? सिर्फ 1 मिनट बचा। ये शरीर का तापमान अगर इस बम को मिलता रहे तो बम नहीं फटेगा। एक काम करते हैं, ये पकड़ो, ये बम जो है सही। आप क्या कर रहे हैं? बाहर लेके जाओ जल्दी। सर तुम लोग सब बाहर निकलो। सर हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। बेकार की बहस मत करो, जल्दी निकलो यहाँ से। तुम लोग सिर्फ 12 सेकंड बचे सर। हम इसे डिफ्यूज करने की कोशिश करते हैं ना सर। ट्राई करो जल्दी जल्दी। ये काटो 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 इसको, कुछ नहीं हो रहा है। अब कोई रास्ता नहीं है। हेलो, क्या कहाँ पे? ठीक है हम आते हैं। क्या हुआ सर? सांगवर रोड पर लूट हुई है। सांगवर रोड? बड़ा अच्छा हुआ सर, काफी गार्ड्स भी घायल हुए। क्या हुआ यहाँ पे? हम लोग CID से। CID साहब डाका पड़ा है। डाका साहब? साहब GSI बैंक का सोना लेके जा रहे थे, करोड़ों का साहब। साहब बहुत खतरनाक लोग थे वो साहब, हम लोग उनका सामना नहीं कर पाए। आप उन्हें पहचान सकते? उनका चेहरा देखा था आपने? नहीं मैडम,
सबके चेहरे ढके हुए थे, लेकिन हाँ मैंने देखा साहब उसके हाथ में अजीब सी अंगूठी थी साहब, एक केकड़ा बना हुआ था साहब अंगूठी पे। केकड़ा? किशन, ये तो वही गैंग लगता है जो लोगों को किडनैप कर रहा है। से लगता है इस गैंग की प्लानिंग थी हमें वहां बॉम्ब में उलझाकर यहाँ करोड़ों का सोना लूटने की, और इसी वजह से उन लोगों ने अपने भी तीन आदमियों को वहां मरने के लिए छोड़ दी। लेकिन उन लोगों को पता कैसे चला कि वैन किस रास्ते से जा रही है और कहां पे रुकी हुई? सर इस तरीके की खुफिया जानकारी तो बैंक के गिने चुने लोगों के पास ही होती है। बैंक के सिक्योरिटी एजेंसी से पता करना पड़ेगा। समझ में नहीं आ रहा है सर ये सब कैसे हो गया। तो फिर उन लुटेरों को ये कैसे पता चला कि वो वैंस कब और कहां जाने वाली? मैं क्या बताऊं सर, हमारी सिक्योरिटी तो इतनी टाइट होती है कि वैन के निकलने के आखिरी वक्त तक मुझे खुद पता नहीं होता कि वैन में क्या है और कब और कहां जाने वाली है। अरे तो लुटेरों को कैसे पता चल गया? हमें आपकी वैन चेक करनी है। जीपीआरएस सिस्टम इंजन के अंदर ऐसे फिट किया गया कि आसानी से किसी की नजर ना पड़े, किसी आम आदमी का काम नहीं लगता। हाँ सर, वैन के बारे में पूरी जानकारी हुए बगैर इसे इतना सफाई से लगाना आसान नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ट्रांसमीटर वहीं लगा दिया गया हो जहां पे ये वैन बनी? पता करना होगा कि वैन को किसने बनाया और किसने बैंक को बेचा है। देखिए सर, हम सुने हैं कि अगवा हुए कुछ लोग आपको मिले हैं और इस वक्त वो अस्पताल में है सर। देखिए कुछ लोग हमें मिले हैं और हमने उनके परिवार वालों को इन्फॉर्म भी कर दिया। क्या मेरा कमलेश भी वहाँ था? आपके कमलेश के बारे में अगर हमें कुछ पता चलता है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आपका एड्रेस और फोन नंबर है हमारे पास, घबराइए मत। सर मैं रोनिता से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ पर उससे कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा है। सर डरे अगर उन्हें ललिता की सच्चाई का पता लग गया तो वो सर हम लोग रिप्ले टीवी चैनल से हैं, हमारे हेड ऑफिस में आप लोग के लिए पैकेट आई हुई थी। थैंक यू वेरी मच, आप जा सकते हैं। थैंक यू। या फेल हो गई तुम लोगों की साजिश जो तुम लोग मेरे खिलाफ रच रहे थे। तुमने क्या सोचा हुँ? मुझे पकड़ लेना कोई बच्चों का खेल है? नहीं नहीं नहीं, मुझ तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। मैं वो हूं जो आम लोगों जैसा रहता हूं तुम लोगों के बीच, लेकिन कोई नहीं जान पाया कि मैं इतनी बड़े ऑर्गेनाइजेशन का मालिक हूं। तुमने क्या सोचा कि मुझे पता नहीं चलेगा कि हमारे बीच एक गद्दार है जो तुम लोगों का भेजा हुआ? गद्दार तुम हो और गद्दारों को मेरी आंखें ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाती। मेरे पैर को सर तुम्हारिया मेरे पैर को सर संभालो। सर उन खूनियों ने रोनिता को भी मार डाला है। हाँ काविन, रोनिता एक अंडरकवर कॉप थी
जिस किसी ने भी उसे मारा है छोड़ेंगे नहीं उसे। सो हेलो यस ओ ग्रेट थैंक यू सर। उन आर्मर्ड ट्रक्स बनाने वाली कंपनी का पता चल गया है, कोई सीपी ग्रुप है। एक बात और पता चली है सर, ये सीपी ग्रुप खास तौर से बीटी एंटरप्राइज के लिए काम करता है। इसका मालिक धनराज है? हाँ सर। ओ, मतलब धनराज ने हमें अन्या के बारे में जो कुछ भी कहा था वो गुमराह करने के लिए था। इस धनराज ने ही अन्या को अगवा किया क्योंकि अन्या को उसके गैर कानूनी बिजनेस के बारे में पता चल गया होगा। सर कहीं 100 लोगों के गायब होने में इस धनराज का हाथ तो नहीं है? हो सकता निखिल, यही मुजरिम है जो लोगों के बीच भगवान का भक्त बना हुआ है और दूसरी तरफ खून और लूट का खेल खेल रहा है। इस धनराज से मिलना पड़ेगा। चले गए उन लोग, ऐसे कैसे चले गए? तुम्हारे होते हुए ये सब पता नहीं, किसी भी कीमत पर मुझे वो सारे चाहिए। अब फोन रखो। जी कब आने की तैयारी होगी? आप लोग, आपका फोन खुल चुका है। आप जल्दी से बताओ उन लोगों को अगवा करके कहां रखा है? मुझे कुछ नहीं मालूम वो लोग कहां हैं। फिर झूठ बोल रहे हैं आप। हम जानते हैं उन सारे मासूम लोगों को सिर्फ और सिर्फ आप ही ने अगवा किया है। क्या किया आपने उनके साथ? मैं मानता हूं कि इसमें मेरा हाथ है, पर अब मेरे हाथ से सब कुछ छूट चुका है। एक ताकतवर गैंग ने मुझे धोखा देकर मुझसे सब कुछ हथिया लिया है। जैसे को तैसा। अब जल्दी बताओ ये कौन सा गैंग है और कौन है इसका बॉस? बहुत खतरनाक है वो लोग। हाँ एक चीज मुझे याद है, वो लोग खास तरह की एक अंगूठी पहनते हैं। तो क्या आन्या भी उनके साथ? हाँ वो लोग उसे भी ले गए हैं। आपने तुमसे कहा कि आन्या आपकी बेटी जैसी है और आपने उसी को अगवा कर लिया है? हाँ उसने मेरी एक बातचीत सुन ली थी जो उसे नहीं सुनना चाहिए था। वो उसी बात की छानबीन कर रही थी, मुझे उससे डर लगने लगा था इसीलिए मैंने उसे भी गायब करवा दिया। क्या करने वाले थे लोगों का? मैं इंसानों के दिमाग पर एक रिसर्च कर रहा था और उसके लिए मुझे काफी लोगों की जरूरत थी। मैंने गैंग को कॉन्टेक्ट किया और उसके बदले में उन लोगों ने मुझे बैंक से आने वाले सोने तक पहुंचने का रास्ता पूछा। और तुमने डील मंजूर कर ली? हाँ हाँ जल्दी पानी ले गया अन्ना जी। अन्ना जी अन्ना जी ओह नो इट्स डेड। तुम लोगों को क्या लगा तुम लोग कह दोगे कि हमें कुछ नहीं पता और हम तुम्हारी बात का यकीन कर लेंगे? यहाँ पे कुछ गड़बड़ है सर। धनराज जी की लाश को फांसी भेज दिया। दया सर सब लगता है इस पिलर के अंदर कुछ है, शेल्फ या कुछ भी। खोलो सर। ये देखिए सर, लैपटॉप, गन, पैसे लगते हैं सर। इतने सारे पैसे, ये गन, लैपटॉप, कुछ तो खास है इसमें जो धनराज ने इसे छुपा के रखा है। जरा लैपटॉप ऑन करो। यस सर। देखो तो सही है क्या इसमें? सर ये लैपटॉप तो ऑन हो गया है पर ये फोल्डर पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड? आ
आप में से कोई इस लैपटॉप का पासवर्ड जानता है? नहीं सर, नहीं मालूम। नहीं सर, सर मैं कोशिश कर सकता हूँ। कौन हो तुम? सर मैं आईटी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ और कंप्यूटर से रिलेटेड ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसे मैं सॉल्व नहीं कर सकता। अच्छा तो आओ कोशिश करो। चाहता भी है या सिर्फ टाइम पास कर रहे हो? लेट मी ट्राई सर, लेट मी ट्राई। हो गया सर। क्या बात है, वाकई तुम जानकार हो। हाँ थैंक यू। क्या देखो इस फाइल में क्या? ये देखिए सर, लगता है ये धनराज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्लानिंग कर रहा था। सर इस प्रोजेक्ट के बारे में धनराज जी हमेशा बात करते रहते थे और इसे शुरू करना ही उनका सपना था। इसलिए धनराज ऐसे लोगों को अगवा कर रहा था जिनकी आईक्यू अच्छी है, तेज दिमाग वाले हैं। वो उनके दिमाग का स्टडी कर रहा था। सर इसके अंदर एक और फोल्डर है। यही वो जगह हो सकती है जहां पे ये प्रोजेक्ट चल रहा है। Let's go. सर ये लोग क्या कर रहे हैं? दिमाग की जानकारी निकालने वाली कोई मशीन है ये सब। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इनके दिमाग को पढ़कर धनराज अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट में यूज करता हो? जल्दी से इन सब के मशीन्स निकालो और हॉस्पिटल पहुंचाने का इंतजाम करो। चलो। ए, रुक जाओ। हटो। ये सीआईडी वाले फायरिंग क्यों नहीं कर रहे? लगता है उनकी सारी गोलियां खत्म हो गई। गोली भी है और गोली भी। चल जा नीचे, नीचे घुटने पे। अरे रुको रुको रुको, कहां भाग के जा रहे हो? ना जाने तुम लोगों को भागने का इतना शौक क्यों होता है। अभी तो बड़ी बोलती निकल रही थी, अब पकड़ा गया तो बोलती बंद हो गई इसकी। बोल। बताकर मार खाएगा या मार खा के बताएगा? सर मुझे बस यही बताया गया था कि मुझे इन सारे लोगों को सिंदूर नगर के अड्डे पर लेकर आना है। सिंदूर नगर के अड्डे पे? सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। भगवान ने मुझे तुमसे मिला दिया था लेकिन मैंने तुम्हें फिर से जाने दिया। रोनिता मैं एक अच्छा भाई नहीं बन सका। मैं तुम्हें नहीं बचा पाया। जो बग मैंने रोनिता के बैग में डाला था
उसके मरने के बाद उसने काम करना बंद कर दिया था। फिर से सिग्नल, मुझे कुछ करना पड़ेगा। ना मेरी बहन को? हाँ, तूने मारा मेरी बहन को। रोनिता, ये तो मर चुकी थी, ये जिंदा है? रोनिता, क्या हुआ? ये क्या हो रहा है सब? हाँ, तुम यहां पे क्या कर रही हो? वही जो मुझे करना चाहिए। तुम जो समझ रहे हो वो मैं नहीं हूं। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती हूं। तुमने हम सबको धोखा दिया? अपने देश के साथ गद्दारी कर रही है तू? कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो यहां से चले जाओ और दोबारा पलट के यहां कभी मत आना। मार दो मुझे, मार दो मुझे। तुम्हारा ये रूप देखने से पहले मर जाना पसंद करूंगा मैं। पहले ये बताओ रोनिता, क्या मजबूरी है तुम्हारी? अरे इतनी अच्छी परवरिश के बावजूद ऐसी गंदी हरकत पर उतर रही हो तुम? रोनिता बताओ मुझे, क्या बात है? रोनिता बताओ मुझे, तुम्हें बताना पड़ेगा। रोनिता, रोनिता मुझसे बात करो, बताओ मुझे। तुम्हें तुम्हारे भाई की कसम है, तुम्हारे लिए, भाभी के लिए, होने वाले बच्चे के लिए जो बहुत जल्द इस दुनिया में आने वाला है। नहीं रोनिता नहीं, देखो मेरे परिवार के बारे में मत सोचो। तो हम जैसे भी है खुश है, तुम्हारी तुम्हारी इस कमाई को तो हमें जरूरत ही नहीं। कमाई नहीं, जिंदगी, जिंदगी चली जाती तुम सबकी, मेरी भी। यहाँ का बॉस हम सबको मार देता। सीआईडी से बात क्यों नहीं की? वो हमारी रक्षा करते। नहीं, इन लोगों की ताकत तुम नहीं जानते। ये लोग जिसे चाहते हैं उसे मार देते हैं, कोई नहीं बचा सकता उसे। इसीलिए कह रही हूं तुम जल्द से जल्द यहां से चले जाओ। नहीं रोनिता, मैं तुम्हें लिए बिना यहां से जाऊंगा नहीं। हाथ ऊपर खड़े जा। अजय,
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोनिता जिंदा है सर। क्या? वो भी इस गैंग में शामिल हो गई। इन दोनों को भी उसने मारा है सर। हो सकता है उस गैंग के लीडर ने रोनिता को मजबूर किया हो ये सब करने के लिए। यहां पर सौ तो बिल्कुल ऐसे ही सफेद कपड़े हर जगह मिले। इसका मतलब उन्होंने इन लोगों के कपड़े चेंज करा के किसी दूसरे भेस में ले ताकि वो सारे लोग आम आदमी जैसे लगे और किसी पे उनको शक ना हो। ये क्या XZ5403 ये क्या हो सकता? कोई कोड तो नहीं हो सकता सर? सर कोड हो सकता लेकिन इस कोड का मतलब क्या हो सकता है? एक मिनट, इतने सारे लोगों को शहर से बाहर ले जाने के लिए किसी बस या ट्रक की जरूरत पड़ेगी। कहीं ये गमले काम करो, आरटीओ से पता करो कि XZ5403 नंबर की कोई ट्रक या बस है क्या, और अगर है तो पूरी डिटेल्स निकालो। सर कंट्रोल रूम से पता चला है जिस बस का नंबर मिला था वो यही बस है सर। ये बस तो खाली है, कहां गए सब लोग? ये आवाज कैसे? सर आवाज उस तरफ से आ रही है। हेलो, ओह नो, गोली लगी है। फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ जल्दी जल्दी ना। एम्बुलेंस को फोन करो लेके। पानी पानी, क्या क्या हुआ, क्या कौन हो तुम? मैं बस का ड्राइवर हूं। पानी दो, ले लो पानी पियो। क्या हुआ, क्या यहाँ पे किसने गोली मारी तुम्हें? साहब कुछ लोग जबरदस्ती बस में घुसा धमका कर यहाँ ले आए मुझे। उसके बाद क्या हुआ, कहाँ गए वो लोग? मालूम नहीं सर, लेकिन जाते जाते विसर्जन की बात कर रहे थे। विसर्जन की बात? विसर्जन की गणपति का पांचवें दिन का विसर्जन है सर। सर ये सब वहां क्यों जा रहे? शहर के सभी रास्तों पर नाकाबंदी है, सारी गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, और इतने सारे लोगों को एक साथ लेकर जाना आसान नहीं है ये बात वो भी जानते हैं। इसलिए शायद वो लोग समंदर के रास्ते से बाहर जाने के चक्कर में है। यहाँ पे आसपास जहाँ पे भी विसर्जन हो रहा है वहीं पे मिलेंगे वो।
रुक जा सीआईडी। कहां लेके जा रहे हो सबको? तुम सीआईडी की तो ऐसी की तैसी। रोशन पर निकालो उन सबको यहां से। चलिए चलो। अन्य बात करो मेरे से। अन्य तुम ठीक हो? अन्य पूर्वी इन लोगों की हालत ज्यादा ही खराब हो रही, हमें इन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके जाना होगा। एम्बुलेंस कॉल करो जल्दी जल्दी। मैम हेलो एम्बुलेंस, जल्द से जल्द 3 एम्बुलेंस उत्तर बीच पर भेजे जल्दी। कहाँ जा रही हो तू? रोनिता रोनिता मैं अजय, मैं अजय तुम्हारा भाई रोनिता। रोनिता अपने घर जा रही, अपने असली घर मेरे साथ। तुम तो भूल क्यों नहीं जाते? पूरी दुनिया के लिए वो मर चुकी है। की बातों में मत आना, मैं हूं अजय रोनिता, मैं तुम्हारा भाई रोनिता। चलो नहीं रोनिता, 3 साल से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ रोनिता। चलो रोनिता चलो अपने घर चलो, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ऐसा सोचना भी मत, और मैं ये जान से जाएगा। प्रवीण तुम? अब तुम्हारा सर मुंडवाने का टाइम आ गया। प्रवीण तो तुम हो इस गैंग के लीडर क्या? हाँ सर, और मैं ही इतने दिनों से अपनी पहचान छुपाकर इस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा था। धनराज कैसे तुम्हारे साथ जुड़ गया? 100 तेज दिमाग वाले लोगों को अगवा करने के लिए धनराज ने मेरी कंपनी को कांटेक्ट किया। हमने काम हाथ में ले लिया और बदले में बैंक से सोना चुराने के लिए धनराज की मदद मांगी। उसी की मदद से हमने बैंक के ट्रक में GPRS लगा दिया। लेकिन धनराज को जहर देके मार डाला तुमने, धोखा दिया उसे। हाँ क्योंकि मैं ये जानना चाहता था कि धनराज इतने लोगों का क्या करेगा, और फिर मैं IT एम्प्लॉय बनकर उसकी कंपनी में भी घुस गया। और कंपनी ज्वाइन करने के बाद तुम्हें उसके इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट के बारे में पता चला? हाँ कंपनी में जाकर मुझे पता चला कि एक विदेशी कंपनी भी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। तो तुमने उन अगवा किए हुए लोगों को और धनराज के प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स को विदेशी कंपनी को बेच दिए ज्यादा पैसे कमाने के लिए? हाँ सर। पैसे के लालच में तुमने कितने सारे लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, लोगों की जानें ली। तुम्हें तो फांसी ही होगी फांसी। ले जाओ इसे। सर रोनिता अब खतरे से बाहर है, डॉक्टर ने कहा वो जल्दी ठीक हो जाएगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है, आपकी बहन आपको वापस मिल गई।
सर मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? आप शुक्रिया कहकर। मुझे आपसे कुछ कहना है, समझ नहीं आ रहा कैसे कहूं, लेकिन मैंने फैसला कर लिया। I'm sorry sir, मैं जानती हूं कि मेरे इस फैसले से आपको बहुत हर्ट हो सकता है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। श्रेया ने जो फैसला लिया है उसके पीछे कोई तो वजह है, पर क्या वजह हो सकती है? कुछ तो है जो सही नहीं हो रहा है। ऐसी क्या वजह हो सकती है जो श्रेया मुझे सच्चाई नहीं बता रही है कि वो किसी और से शादी क्यों कर रही है? कहीं उस पर कोई दबाव तो नहीं? हो भी सकता है, मगर कौन है जो उस पर दबाव डाल रहा है? मुझे पता करना होगा श्रेया की ऐसी क्या मजबूरी है, क्यों लिया है उसने ये फैसला। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।